हेलो स्टूडेंट्स गाइस, मैं विक्रम कुमार। तो हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं आज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की है। तो एक्सरसाइज 1.1 में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, नेक्स्ट प्रॉब्लम आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम में क्या है देखते हैं आप। तो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, समझते हैं और देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 डिक्टेट किया हुआ है। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, हर एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, ताकि क्या दे रहा है प्रॉब्लम में, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। कह रहा है कि पॉलीनोमियल फंक्शन गिवन है, p मींस पॉलीनोमियल फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर पॉलीनोमियल फंक्शन उसमें रियल नंबर दे रहा है। वो पॉलीनोमियल फंक्शन विद p ऑफ x, ये है पॉलीनोमियल फंक्शन p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पॉलीनोमियल फंक्शन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है कि p ऑफ -3 कैलकुलेट करेंगे। सेम प्रॉब्लम जैसे कल हमने सॉल्व करा है, प्रीवियस क्लास में जो समझा था, सेम वैसे उस टाइप का ही है। पॉलीनोमियल फंक्शन यहां पर गिवन है एंड उसके साथ कैलकुलेट कर लेंगे एंट्रोल्स p ऑफ -3 p ऑफ -2 एंड सो ऑन। तो हम एक एक अलग अलग तरीके से वैल्यूज लिखते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, देखते क्या है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखना जरूरी है प्रॉब्लम, अगर कोई भी सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन जरूरी है। सॉल्यूशन अब देखिए हमारे पास मौजूद क्या है, गिवन क्या है, उसके हिसाब से जो मालूम करना है वो क्या है। तो हमारे पास मौजूद है एक फंक्शन दे रहा है पॉलीनोमियल फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू जो है लिखना कोई है। पॉलीनोमियल फंक्शन हमारे पास मौजूद है ये p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये फंक्शन मौजूद है। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है फर्स्ट, ये फाइंड करना है p ऑफ -3। ठीक, सो p ऑफ -3 क्वेश्चन मार्क, पहले ये फाइंड आउट करना है, चलो इसको क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, p ऑफ -3 कैलकुलेट करना है, p ऑफ -3 है क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास तीन फंक्शन गिवन है, फंक्शन में क्या मौजूद है, p ऑफ x। ठीक है, सो हियर x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब कैलकुलेटर पर आप उसमें क्या है, p ऑफ -3। अब देखो दोनों को अगर कंपेयर करें तो उसमें देखिए x इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट वैल्यू, x इज रिप्लेस्ड बाय -3। तो इसका मतलब ये है x की जो वैल्यू है वो है -3, सिंपल। ठीक है, तो ऊपर जो फंक्शन गिवन है उसमें p ऑफ x लिखा हुआ है, जो रिक्वायर्ड फंक्शन है उसमें p ऑफ -3 है। तो ये आपके सामने, अगर दोनों को कंपेयर करवाएं तो p फंक्शन तो ठीक है सेम है, मगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है नीचे, जो p ऑफ -3 जो मींस x की जगह पे -3 लिखा हुआ है, जो ऊपर कैलकुलेट करना है उसमें, तो मींस x की वैल्यू -3। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। सब देखें p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 आ गया, इक्वल्स टू x स्क्वायर, मींस x की जगह पे -3 लिखना है, आ गया -3 ऊपर स्क्वायर, देन प्लस साइन 2 मल्टीप्लाई बाय x, मींस x की वैल्यू क्या है -3 एंड देन प्लस 3। ठीक है, सिस्टम में क्या किया है, x की जगह पे जो -3 था वो आगे वाली स्टेटमेंट में जिस जगह पे x है उस x की जगह पे x की वैल्यू -3 लिखा है, बाकी रिमेनिंग टर्म सेम है, पावर भी सेम है, साइन भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट -3 होल स्क्वायर नेगेटिव नंबर पे स्क्वायर मींस इवन पावर, सो नेगेटिव साइन खत्म। ठीक, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बाय 2 पावर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस खत्म हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में पहले का हमेशा साइन मल्टीप्लाई की जाती है, माइनस एंड प्लस पहले मल्टीप्लाई करें देन नंबर, जैसे कि माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड देन प्लस 3 7। ठीक है, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वापस में मल्टीप्लाई हो गया, 3 9 माइनस 6 प्लस 3। ठीक है, बाकी रिमेनिंग सेम है, अब 9 से 6 माइनस करेंगे, माइनस 6 से बाकी बचे 3, 3 रह गए, 3 में 3 प्लस करेंगे हो जाएंगे 6। ये सिंपल बेसिक एडिशन है, सबट्रैक्शन आपको आती
सेकंड पार्ट से आपने कैसे सेकंड पार्ट क्या किया माइनस टू क्वेश्चन मार्क सेकंड पार्ट ये पूछा है इसको सेम प्रोसेस इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व किया माइनस टू रिप्लेस करना है तो इसको सॉल्व करना है तो पहले लिखेंगे फंक्शन कौन सा मौजूद है हमारे पास जिसमें ये सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे पास फंक्शन मौजूद है वो ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 चलो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओके अब कैलकुलेट करना है इसमें क्या p ऑफ माइनस 2 मींस वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2 स्पॉट पे वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3 सेम प्रोसेस है x की जगह पे माइनस 3 लिखा था अब x की जगह पे माइनस 2 लिखा जाएगा इक्वल्स टू x की जगह पे माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे माइनस 2 प्लस 3 क्या किया जिस जगह x था उसकी जगह पे माइनस 2 लिखा है बाकी रिमेन पावर रिमेंस सेम एंड साइन आल्सो रिमेंस सेम ठीक है सो इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर होल स्क्वायर स्क्वायर मींस इवन पावर सो अगर इवन पावर है तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा एंड 2 स्क्वायर मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आगे नंबर माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 सो पहले हमें साइन मल्टीप्लाई की जाती है प्लस 2 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 सेम आ गया ठीक ये 2 2 का 4 ये माइनस का 4 आगे प्लस 3 4 माइनस में 4 प्लस में कैंसिल कर हो गया बाकी 3 रह गया हमारे पास तो p ऑफ माइनस 2 इज 3 आंसर आ गया ठीक है ये सेकंड पार्ट सबके बाद आगे देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट किया माइनस 0 थर्ड पार्ट है तो दिया माइनस 1 क्वेश्चन मार्क ठीक है अब दिया माइनस 1 इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पहले देखिए फंक्शन कौन सा गिवन है जिसके हिसाब से हम सॉल्व करें इसको तो फंक्शन को जो है वो है p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये फंक्शन है सेम है वही प्लस वैल्यू चेंज होती जा रही है बाकी कोई भी चेंज नहीं है इसमें p ऑफ माइनस 1 कैलकुलेट करना है तो मींस x की जगह पे माइनस 1 रिप्लेस करना है माइनस का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 x x की जगह पे माइनस 1 आ गया प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर अगेन नेगेटिव नंबर पावर 2 इवन नंबर नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर है मींस माइनस खत्म पॉजिटिव हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 पे चाहे जितना भी पावर दे उसका हमेशा 1 रहेगा तो इस थोड़ा एक और देख सकते हैं ठीक है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो पहले हमेशा साइन मल्टीप्लाई की जाएगी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी साइन पहले मल्टीप्लाई करें देन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें ये पॉजिटिव है यहां पर नेगेटिव है प्लस इनटू माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बनता है 2 आगे प्लस 3 इक्वल्स टू 1 से 2 माइनस करेंगे एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है सो 1 में से 2 माइनस करेंगे आंसर हो जाएगा माइनस का 1 एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तो माइनस ही करवाएं 2 में से 1 लिया बाकी बचा 1 मगर 1 नेगेटिव क्यों साइन हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी टेक आउट की जाती है ग्रेटर नंबर 2 है तो साइन 2 की होगी क्योंकि साइन नेगेटिव है तो आंसर बचा 1 1 नेगेटिव का रह जाएगा ठीक है माइनस 1 और आगे क्या है प्लस का 3 सो माइनस 1 से 3 प्लस कराएंगे माइनस 1 से 3 प्लस कराएं तो नेगेटिव 1 पॉजिटिव 3 एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है सो मींस 3 में से 1 माइनस कराएं 3 में से 1 माइनस करवाएंगे बात क्या रह जाएगा 2 मींस इसका आंसर क्या बचा 2 b ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू 2 ये इसका आंसर आ गया ठीक है सिंपल बेसिक अर्थमेटिक है ये आपको भी समझ में आ गया होगा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है p ऑफ 0 या फिर ये क्वेश्चन मार्क ये भी सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस सेम स्टेप्स वही है इस तरीके से सॉल्व हो रहा है और इसके लिए फंक्शन कौन सा गिवन है वो p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 टेक आउट करेंगे ठीक है अब इस फंक्शन में p ऑफ 0 मींस वैल्यू ऑफ x इज 0 हियर सो x स्क्वायर मींस 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x मींस 0 प्लस 3 x is replaced by 0 because value of x is 0 so p of 0 equals to 0 square means 0 plus 2 multiplied by 0 means 0 plus 3 so p of 0 is equals to 3 0 की कोई value नहीं है 0 लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है ये हो गए ये इनके parts अब
p ऑफ 0 के बाद p ऑफ 2 ठीक, ये भी सॉल्व करेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ठीक है, जो प्लॉट स्क्रीन पे है वो सॉल्व करते जा रहे हैं। सो p ऑफ 2 सॉल्व करने के लिए किसमें सॉल्व करें, फंक्शन पे काउंट करें, वो फंक्शन है x2 + 2x + 3 इस साइड सब भी फंक्शन है ठीक। अब इस फंक्शन में p ऑफ 2 है मींस वैल्यू ऑफ x इज 2, सो x की जगह पे 2 लिखिए, x2 मींस x की जगह पे 2 आ गया, पावर 2 सेम है, 2 मल्टीप्लाई बाय x वैल्यू ऑफ x 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, सो 2 स्क्वायर मींस 4 ठीक है, 2 स्क्वायर मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी 4 प्लस ये 3 सेम है। अब तीनों नंबर्स पॉजिटिव है, तीनों नंबर्स पॉजिटिव मींस तीनों नंबर्स प्लस हो रहे हैं, तीनों प्लस करें 4 में 4 प्लस करेंगे 8, अगेन 8 में 3 प्लस करें 8 प्लस 3 11 हो जाएंगे, सो मींस p ऑफ -2 का जो आंसर मिला है वो मिल गया 11 ठीक है। अब ये इसके पार्ट्स होंगे, उसके बाद सॉरी p ऑफ +2 का आंसर p ऑफ 3 ये भी कैलकुलेट करना है, सो मींस p ऑफ 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये सॉल्व करना है, सेम मेथड है, जस्ट वैल्यू रिप्लेस हो रही है 1 -1 2 ये भी है, तो ये कैलकुलेट करना है, इसलिए फंक्शन पहले लिखेंगे, इस फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करें, तो फंक्शन जो गिवन है वही फंक्शन टेक आउट कर रहे हैं, वही सॉल्व कर रहे हैं, या f(x) = x2 + 2x + 3, सो इसमें p ऑफ 3 = नाउ वैल्यू ऑफ x 3 ठीक है, तो x की जगह पे आप 3 लिखें, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3 प्लस 3 बिकॉज़ वैल्यू ऑफ x इज 3, नेक्स्ट टाइम वाला रिप्लेस नहीं है 3, तो 3 स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 पे जितना पावर है सो 3 मल्टीप्लाई बाय पावर टाइम्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 6 ठीक, दोनों की साइन सेम है इसलिए डायरेक्ट 6 प्लस 3 ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9, अब 6 और 3 को प्लस करा सकते हैं, प्लस करा ले 6 भी पॉजिटिव है 3 भी पॉजिटिव है, 6 में से 3 प्लस कराएंगे तो हो जाएगा 9, 6 प्लस 3 9, अब 9 से 9 से प्लस करें 9 प्लस 9 ये हो गया 18, सो हमारे पास वैल्यू आ गई थी ऑफ 3 की 18, ये स्पॉट का आंसर मिल गया ठीक है। अब ये हो गए बेसिक पार्ट्स, जो भी आप -3 -2 -1 या 0 या 2 एंड या 3 ये सिंपल पार्ट है जैसे आपने देखे समझे ठीक है, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, इसमें x की वैल्यू -3 -2x की वैल्यू x की जगह -1 0 2 एंड की सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, सिंपल बेसिक थे। अब आगे मूव हो रहे हैं, आगे और पार्ट कह रहा है कैन यू फाइंड x, क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैन यू फाइंड x such that, can you find x such that p of x equals to 0 ठीक है, p of x equals to 0, अगर p of x की वैल्यू 0 है तो क्या आप x सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, इफ नॉट व्हाई, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं सॉल्व कर सकते ठीक है, अब देखते हैं इसको क्यों सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसकी x की वैल्यू सॉल्व करनी है ठीक है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो हमारे पास मौजूद क्या है, फंक्शन जो गिवन है उस फंक्शन को टेक आउट करें, तो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन p ऑफ x = x² + 2x एंड + 3 ठीक, ये फंक्शन गिवन है हमारे पास मौजूद है ठीक है, p ऑफ x की फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन को टेक आउट किया, अब इस ओरिजिनल फंक्शन में हमारे पास मौजूद है दे रहा है कि p ऑफ वैल्यू अगर 0 है देन x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं देखते हैं, तो यहां पर देयरफॉर p ऑफ x = 0, हम बता रहे हैं कि p ऑफ x 0 है क्योंकि ये गिवन है, तो p ऑफ x की जगह पे 0 आ गया = x² + 2x + 3 ठीक, अब ये इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन को हम सीधा करके लिख सकते हैं x² + 2x + 3 सकते हैं ताकि यहां सॉल्यूशन में आसानी हो ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन हो गई इजी टू 0 फॉर्म, इस इक्वेशन का नाम क्या है, तो इक्वेशन देखिए वेरिएबल x है, x वेरिएबल हम हाईएस्ट पावर
2 है, तो इक्वेशन में वेरिएबल पे अगर हाईएस्ट पावर 2 है दैट मींस दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्स वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल पे अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मींस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग-अलग मेथड है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म ब्रेकअप होता है तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका ये है, साइड पे हम देखेंगे r w मींस ये है लंबा हमारा इक्वेशन, देखिए x2 + 2x + 3 सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई करें, x2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x2, ठीक। देखते हैं मिडिल टर्म ब्रेकअप होता है या नहीं, इसको सॉल्व करने का मेथड, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोफिशिएंट क्या मिला 3, वेरिएबल को नहीं देखें कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन सा है 3, तो 3 के करने 3 के आप निकालो फैक्टर्स, जो भी कोफिशिएंट मिले 3 मिला यहां पर 3 के फैक्टर्स, 3 को 3 का टेबल लग सकता है और कोई भी नहीं, 3 को 3 का टेबल लग गया 1 टाइम। अब हमारे पास कितने फैक्टर आ गए, एक 3, नेक्स्ट फैक्टर इज 2, कोई भी नंबर है उसमें एटलीस्ट 2 फैक्टर होंगे, एक नंबर खुद और दूसरा 1, इससे ज्यादा हो सकते हैं ना फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं। अब देखो 3 को 3 का ही टेबल लग सकता है 1 टाइम, देखते हैं इसका फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं, फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं। अब देखिए फैक्टर का मतलब ये 2 फैक्टर्स हैं, अगर 3 में से -1 करें तो उसका क्या बनेगा 2, ये दोनों फैक्टर्स जो मिले हैं दोनों फैक्टर्स को आपस में अगर प्लस करें या दोनों फैक्टर्स को आपस में अगर माइनस करें तो आंसर मिले मिडिल वन का प्लस 2, ठीक है प्लस 2 मिल गया। अब ये दो फैक्टर जो मिले 3 है, दूसरा कौन सा फैक्टर मिला है -1, अब साइन ये टेक आउट करनी है क्योंकि रीअरेंजमेंट ये रखते हैं ना मैं, ठीक है। अब माइनस अगर प्लस करेंगे 3 में से 1 तो 3 में 1 प्लस कराएंगे 4, वो तो नहीं चाहिए हमें 2 चाहिए, इसलिए 3 में 1 माइनस किया, 3 में 1 माइनस किया तो 2 मिल रहा है, मिडिल टर्म मिल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा -1, 3 * -1 -3 आंसर मिल रहा है, मगर यहां पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या मिला था प्लस का 3 है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या मिल रहा है -3, फैक्टर से नहीं मिल रहा है सर, मींस मिडिल टर्म ब्रेकअप नहीं होगा, आई बस समझ, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये था एक मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का मेथड, नहीं मतलब तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, सेकंड अल्टरनेटिव मेथड यही है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर मिडिल टर्म ब्रेकअप नहीं हो रहा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, वेरिएबल x के हिसाब से -b प्लस √b² - 4ac² / 2a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यू जो यूज हो रही है a b एंड c, तीन टर्म्स यूज हो रहे हैं, क्या है a मतलब, a का मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मौजूद है ये m से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, m से वेरिएबल स्क्वायर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है दैट रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू ऑफ a, सो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है दैट मींस वैल्यू ऑफ a इज 1, एंड देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x दैट इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक। एंड लास्ट टर्म c, c मींस कांस्टेंट टर्म, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन कांस्टेंट टर्म इज 3, ठीक है। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर वेरिएबल का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट जो था वो b एंड कांस्टेंट टर्म जो था वो c, तीनों की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखी। अब सब्स्टिट्यूट करें इन फार्मूला में, अब इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऊपर साइड पे x इक्वल टू माइनस b है, b की वैल्यू 2, प्लस माइनस स्क्वायर b स्क्वायर, तो b की वैल्यू इक्वल टू इसका स्क्वायर -4, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ a इज 1, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ c इज 3, ठीक। d की जगह पे b की वैल्यू 2, माइनस साइन फार्मूला की है, प्लस माइनस आ गया, इसका टू साइन b स्क्वायर मींस b की वैल्यू 2 स्क्वायर -4 फार्मूला का, मल्टीप्लाई बाय a दैट इज द 1, मल्टीप्लाई बाय c दैट इज 3, इसका टू साइन ओवर होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a, 2 मल्टीप्लाई बाय a वैल्यू ऑफ a इज 1, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की
फंडामेंट, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। अब सिंपलीफिकेशन है, माइनस टू सेवन प्लस माइनस टू स्क्वायर इज टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर, माइनस फोर मल्टीप्लाई वन फोर वन था फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व मल्टीप्लाई किया, ठीक है, होल अपॉन टू वन जा टू, ठीक मल्टीप्लिकेशन की। अब माइनस टू प्लस माइनस फोर में से माइनस करें ट्वेल्व, फोर माइनस ट्वेल्व सो एट रह जाएगा मगर माइनस में एट, लार्जर नंबर की साइन टेक आउट करनी होती है, ठीक है। सो दो नंबर से माइनस हो रहे हैं, फोर में से ट्वेल्व माइनस करना है तो माइनस कैसे करेंगे, लार्जर नंबर माइनस स्मॉल नंबर, ठीक, ट्वेल्व से चार माइनस करें बाकी आठ तो रह गए हैं मगर आठ माइनस से रहेंगे क्योंकि साइन हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होता है उसकी टेक आउट करनी पड़ती है, तो माइनस एट बोला टू, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ चुकी है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ चुकी है तो मीन्स उस नेगेटिव साइन को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, दैट मीन्स आयोटा, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी टर्म, स्क्वायर रूट में अगर माइनस साइन है तो उस माइनस साइन से को स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो हम मिल जाएगा आयोटा, इमेजिनरी टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, एट का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो एट साइन रह जाएगा होल अपॉन में टू। ये हमें वैल्यू मिली एक्स की, मगर एक्स की वैल्यू मिली वो क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इमेजिनरी टर्म आ चुका है, इमेजिनरी टर्म आ चुका है मीन्स कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है इमेजिनरी टर्म है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ये सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ठीक, तो वैल्यू तो मिलते ही हमें मगर यहाँ पर जो वैल्यू मिली है एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है तो क्या कहेंगे, हेंस हियर एक्स इज नॉट ए रियल नंबर, x not a real number, लेकिन क्या पूछा था, इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किया कॉम्प्लेक्स नंबर में मिला, ठीक है, x से कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसको लिखना क्या है, कैन यू फाइंड x, क्या आप x सॉल्व कर सकते हैं, हमने कैलकुलेट किया आपके सामने है, इक्वेशन दी, इक्वेशन को सॉल्व किया, मेथड था या नहीं था, x की वैल्यू मिली मगर x की वैल्यू कॉम्प्लेक्स मिली है तो हम यहां पर लिखेंगे हेंस नो we cannot find the value of x, नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक, if not why, अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो क्यों, because here x is an imaginary term, यहां पर x को मिला तो क्या मिला, इमेजिनरी टर्म मिला है क्योंकि आयटा आ रहा है, आयटा मींस रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आंसर था, ठीक है। अब देखिए सॉल्व तो किया, ये अब एक्स का फंक्शन दिया, ये सॉल्व किया सारा, लास्ट में एक्स की वैल्यू मिली और वहां से हमें डिसाइड करना है, तो यहां से डिसाइड क्या करना, हमारे पास आंसर जो आ चुका आयटा के फॉर्म में आया, आयटा के फॉर्म में आया तो लिखना क्या, नो, कह रहा क्या, कैन यू फाइंड, नो, कह रहा कैन यू फाइंड एक्स, एक्स नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका, नो we cannot find the value of x, क्यों नहीं कर सकते, because here x is an imaginary term, क्योंकि x जो एक imaginary term है इसलिए नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है, ठीक है guys, ये हो गया solution of this complete part, five number problem का solution, जो पहले parts थे उनकी solution, and first last part में पूछा था क्या आप x की value सॉल्व कर सकते हैं, if अगर p of x zero है तो, ठीक है, वो सॉल्व किया था, ठीक है गाइस, ओके।